नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि नवरात्र के किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाने से गरीबी दूर हो जाती है, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा और इसमें आप सफलता हासिल जरूर कीजिएगा। नवरात्रि के दिन माता रानी के विशेष साधना के दिन होते हैं। यदि भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इन 9 दिनों में माता की विशेष पूजा करें तो उसकी हर कामना पूरी हो सकती है। यहाँ इसके साथ ही आप अगर नवरात्रि में यह उपाय करेंगे तो कई समस्याओं का हल हो सकता है। तो दोस्तों नवरात्रि के दिन माता दुर्गा की विशेष साधना के दिन होते हैं। हर दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि यदि इन दिनों में भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ समर्पित होकर माता की आराधना करें उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। लेकिन अगर आप किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए माता से विनती करना चाहते हैं तो अपनी मनोकामना के हिसाब से कुछ विशेष उपाय आपको करना होगा। तो जानिएगा उपाय जो आपकी गरीबी दूर करने और कर्ज से छुटकारा दिलाने जैसी कुछ बड़ी परेशानियों से आपको छुटकारा पाने में मददगार साबित होगा। तो कर्ज समाप्त करने के लिए क्या करें। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ता है लेकिन चाहकर भी वह उसे चुका नहीं पाता। ऐसे में उस पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है, इसके साथ तनाव भी काफी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति परेशानी से जूझ रहे हो तो पहले दिन माता के समक्ष अपनी मनोकामना रखकर उनकी आराधना करें और नियमित रूप से सर्व मंगल मांगल्य शिवेश्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो स्तुते मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें। नवमी वाले दिन माँ भगवती के चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख लें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद एक माला मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी सफाई कर्मचारी को दान में दे दें। तो अगला है नौकरी की तलाश है। तो अगर आपको बेहतर नौकरी की तलाश है और कहीं बात नहीं बन पा रही हो तो नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नियमित रूप से माता का पूजन करें और अपनी मनोकामना उनसे कहें। इसके बाद माला लेकर ओम हरि वाग वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। 9 दिनों तक इस उपाय की पूर्ण श्रद्धा से करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। गरीबी दूर करने के लिए घर में गरीबी बहुत है, किस्मत साथ नहीं देती है तो अष्टमी के दिन घर के पूजा ग्रह में उत्तर प्रदेश की उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे सामने वाला चावल का ढेर बना लें और उस ढेर पर त्रियंत्र रखें। त्रियंत्र के समक्ष सरसों के तेल के 9 दीपक जलाएं और माता के 9 रूपों को याद जरूर करें। उन्हें अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद चावल नदी में बहा दें और त्रियंत्र तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से कुछ ही समय में धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे और आर्थिक समस्याएं दूर होने लगेंगी। अगर आपको किसी विशेष मनोकामना आपको पूरी करवानी है तो आपके मन में इनके अलावा कोई खास मनोकामना है तो उनके लिए 9 दिनों तक सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाएं और शिव जी को 5 चीजें दूध दही घी शहद और शक्कर अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं, चंदन पुष्प एवं धूप दिल दीप अर्पित करें। 9 दिनों तक मंदिर की सफाई करें और नवमी वाले दिन हवन करें और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर घी से 108 आहुति दें। इसके बाद अगले 40 दिनों तक आप कम से कम इस मंत्र की 5 माला का जाप करें। जल्द ही आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यह जो जानकारी आप लोगों को दी है यह अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर, हिंदू धर्म की आस्था के आधार पर है। उम्मीद है आपको इससे आपके कार्य में बाधा आ रही से मुक्ति जरूर मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए मददगार साबित हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय माता दी, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।